नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। भोपाल, महाकाल के दरबार से श्री रामलला को लड्डुओं की भेंट भेजी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बने 5 लाख लड्डुओं को अयोध्या के लिए रवाना किया है। यह लड्डू 5 ट्रकों से भेजे जा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि महाकाल के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया है। महाकाल में बनकर तैयार हुए लड्डुओं को रवाना करने से पहले भोपाल के मानस भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करें और भगवान विष्णु के दर्शन न करें तो दर्शन अधूरे रहेंगे। सीएम ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, प्रभु श्री राम का स्वरूप 2000 साल पुराना है। यह मंदिर भी राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया है। 500 साल के संघर्ष के बाद यह युग वापस हमारे सामने पलट रहा है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे जो सवाल उठाते, निमंत्रण दो तो भी प्रश्न उठते हैं। हम उनको भी सद्भावना की कामना करते हैं। बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा देश राममय हो रहा है और हम सब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के परम स्नेह के प्रति हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करो और अगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते तो वो दर्शन अधूरे माने जाते। एक मंत्र बोलते हैं आमतौर पर, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। जब भी दर्शन करने जाए महाकाल तो 5 बार 11 बार भेंट करके ये दोनों का स्मरण करो तो भगवान अपने वास्तव में मन से अपने को आशीर्वाद देते हैं। और एक तरह से ये आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गढ़ने में जा रहे हैं तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा, ये उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी है। और ये मुझे नहीं, मुझे तो अवैधनाथ जी के शिष्य और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये जो वर्तमान की अयोध्या का रूप है या इसका जो स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से, ये 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल में
ये पूरी अयोध्या को जीर्णोद्धार करके वापस नया रूप देकर, और ये जो मंदिर भी 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, ये मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया है। तो वो जो एक अलग प्रकार का 2000 साल पहले का समर्पण अपने प्रदेश का उज्जैन से अयोध्या का संबंध बनाने का था, एक तरह से वो वापस ये युग हमारे अपने सामने पलट रहा है, अपनी आंखों के सामने दृश्यमान हो रहा है। सच्चे अर्थों में भगवान ने तो अपना जीवन पूरा किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, सच्चे अर्थों में ये बात बिल्कुल अद्भुत है। वाल्मीकि जी के बाद में तुलसी रामायण तक बहुत सारे प्रकार के रामायण और पूरे जीवन के सभी प्रसंगों को रोम रोम तक समाने, भगवान राम को तो आए और गए में 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी वो घटना ऐसी लगती जैसे कल की बात, उससे सीखने के प्रसंग अभी हाल धारण करो। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्रीराम ही हो सकते जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। और हमारा सौभाग्य, सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती, मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्रीराम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता, और मर्यादा का पालन कराने का अधिकार भी भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि कोई मर्यादा तोड़ के देखे भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आप में मर्यादा लाने के लिए वो सारे प्रसंग जोड़ते हैं जिनमें वो अपने जीते जी भगवान के रूप में धारण हो जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अवंतिका वो धाम है जिनने हम सब जानते हैं कि अवंतिका का एक लघु रूप ऐसा भी माना जाता है कि पूरी सृष्टि किसी ने नहीं देखी हो, पूरी पृथ्वी नहीं देखी हो, तो उज्जैन देख ले, उज्जैन में वो लघु रूप में वो सारी चीजें दिखाई देती है, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पे दुनिया में 7 सागर, भारत में अपने आप उज्जैन में वो सप्त सागर से वो अपने आप ध्यान दिला देते हैं। 84 लाख योनियों का शरीर है, 84 महादेव का मंदिर है, काल की समय की सीमा है हर एक किसी की, जिसने प्राण धारण किए और आने और जाने का काम सबका नियत है, ना कोई पहले ना कोई बाद में, ना उसके हाथ में है आना ना उसके हाथ में जाना, ऐसे काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और ऐसा कहते हैं कि जो आजकल तो फिजिक्स वाले भी मानते हैं कि हमारे इस GPS एक नया यंत्र बना जिसके माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है, वो GPS रख के देखो तो अपने आप, जनार्दन नेगी बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्हें जियोग्राफी की दृष्टि से जब यह यंत्र आया और अभी उनको बताया कि डोंगला नामक स्थान पे वो केंद्र थोड़ा समय के साथ खसक गया, तो उज्जैन से 70 किलोमीटर के रेडियस में आता जाता है, लेकिन सेंटर पॉइंट निकालने के लिए GPS लगाओ तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। जैसे हमने GPS लगाया वो डोंगला नामक स्थान पर, वाकणकर जी ने वो स्थान पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के माध्यम से खोजा था, तो उन्होंने कहा ये यहाँ कैसे दिख गया, और ये आप लोगों ने यंत्र बने को 15-20 साल हो गए, लेकिन ये वेदशाला बने को तो 30-35 साल हो गए, आप लोगों ने कैसे खोज लिया। हमने कहा हमने नहीं खोजा, एक नारायण नाम धाम है पास में ही आओ, और नारायण वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने 5000 साल पहले भी जाकर के वो एक तरह से उस केंद्र की खोज सांदीपनि आश्रम के माध्यम से की। तो ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उस ज्ञान के आधुनिक यंत्रों से आज पुष्टि कर रहे हैं, ये उसी प्रकार से जैसे 5100 साल पहले भेद द्वारका, द्वारका का डूबी हुई रूप वहां दिखाई देता है। अब नासा आज कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु की गणना करके बताती है कहां ये घटना हुई थी और ये उसके अवशेष, जैसे उसी प्रकार से जैसे हमको राम सेतु के अवशेष मिलते हैं, पता नहीं कितनी प्रकार की आत्माएं घूमती है, भगवान उन सबको भी एक तरह से सद्बुद्धि प्रदान करे, कैसा भाव लाते हैं। आज भी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने के मामले को भी जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं, अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते हो, निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य, परमात्मा ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता, लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। चलो भगवान हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते हैं, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे, हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए, वो भी कहीं दर्शन के स्वरूप को निहारे,
वो भी इस पूरे भाव को माने। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।